मित्रों, आज आपके सामने एक श्रब एज ए मेडिसिन चर्चा करेंगे। इसके आप येलो फ्लावर्स देख रहे हैं, इसको येलो ट्रम्पेट बुश भी कहते हैं और इसको ट्रेडिशनल मैक्सिकन मेडिसिन भी कहा जाता है, येलो बेल्स भी। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इसके फ्लावर बेल की शेप में हैं, बेल जैसे जैसे कि घंटी होती है, इस तरह से इसके फ्लावर्स हैं, पॉड्स इसमें लगी हुई हैं। बिग्नोनेसिया फैमिली में का ये मेंबर है। सिर्रेट इसके लीव मार्जिन है, रेटिकुलेट इसका विनेशन है। अब हम इसकी केमिकल कॉन्स्टेंट की अगर बात करें तो 120 से ज़्यादा केमिकल कॉन्स्टेंट इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें एल्कलॉइड, फिनोलिक एसिड, फ्लेवोनाइड, क्लोरोजेनिक एसिड, कुमेरिक एसिड, कैरोटीनॉइड, कैम्फिरोल, लूटियोलिन, इस तरह के बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टेंट इसमें पाए जाते हैं। और लूटियोलिन एक ऐसा इंटरमीडिएट कंपाउंड है जो कि बाद में क्राइसो इरियोल और एपिजेनिन को भी प्लांट के अंदर बायोसिंथेसाइज कराने में हेल्प करता है। और क्राइसो एरियोल और एपिजेनिन, ये दो केमिकल कॉन्स्टेंट अपनी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी के लिए जाने जाते हैं। ये दोनों केमिकल कॉन्स्टेंट पेनक्रेटिक लाइपेज एंजाइम इनहिबिशन का कार्य करते हैं, जिससे यह हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिक इफेक्ट अपना शो करते हैं। इसके साथ साथ इन दोनों केमिकल कॉन्स्टेंट की एंटी कैंसर एक्टिविटी पाई गई है, ख़ास तौर से सर्वाइकल, लंग कैंसर और कोलोन कैंसर की सेल लाइन में शोध के बाद इनविट्रो स्टडीज जब की गई तो ये पता चला। और इसके जो लीफ हैं, इसका इन्फ्यूज़न अगर हम दें तो लीफ के इन्फ्यूजन से ब्लड ग्लूकोज लेवल कंट्रोल रहता है, इंटेस्टिनल वर्म्स उनसे हम निजात पा सकते हैं, किडनी की प्रॉब्लम को ये दूर करता है, GFR को बढ़ाता है, जॉन्डिस में ये डिटॉक्सिफिकेशन के माध्यम से ठीक करता है, स्किन इन्फेक्शन हो उसको भी ये क्योर करता है, और दांतों की समस्या हो, टूथएक हो, गम ब्लीडिंग हो, उससे भी अपने आप को ये हमें निजात दिलाता है। जॉइंट पेन और सोर आइज की समस्या हो, वहाँ भी अच्छा कार्य करता है। नए नए शोध इस प्लांट के अभी चल रहे हैं, सिल्वर पार्टिकल्स के माध्यम से बायोमेडिसिंस बनाई जा रही हैं और एंटी एजिंग, एंटी रिंकल क्रीम भी तैयार की जा रही है, और इस तरह के इनोवेटिव फॉर्मुलेशन इस प्लांट से अब बनाए जा रहे हैं। और अब इस प्लांट का अगर प्रोपेगेशन की बात करें तो पॉड के अंदर जो सीड होता है उससे भी हम इसका प्रोपेगेशन कर सकते हैं, गुटी के माध्यम से भी इसका आसानी से प्रोपेगेशन हम कर सकते हैं, और इस प्लांट का संरक्षण आसानी से कर सकते हैं। और ये सब ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल क्लाइमेट में 2000 मीटर अबव द सी लेवल आसानी से कल्टीवेट किया जा सकता है, साल्ट टॉलरेंट काफ़ी हद तक ये है तो अपना इजीली इसको हम कल्टीवेट भी कर सकते हैं। और आने वाली अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ, उसके औषधीय गुणों की फिर चर्चा करेंगे। आप सभी का धन्यवाद।